तो हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, सुश्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो मजमा। आज कुछ होने वाला दिन तो है नहीं, मतलब मैं आया हूँ आज बाणगंगा। यहाँ पे आज बहुत सारे हिंदू बिलीवर्स जो रहते हैं वो अपने एंसेस्टर्स का याद करने के लिए आते हैं। यहाँ पे मुंबई में बहुत ही फेमस जगह है ये बाणगंगा। पितृ पक्ष होता है, पितृलोक में जल नहीं मिलता है पितरों को, इस धरती पे आते हैं, अपने परिवार जन के दरवाजे पर आते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए, तो उनको एक चिल्लू जल चाहिए। वो बहुत भूखे प्यासे होते हैं, बहुत भूखे प्यासे होते हैं। यदि एक चिल्लू जल दे देते हो, तिल देते हो, पितृ देवता आशीर्वाद देते हैं, पितृ दोष खत्म होता है। आए दिन किसी प्रकार की घटनाएं घर में नहीं हुआ करती हैं और परिवार का विकास होता है। इसको करने से मोक्ष प्राप्त होता है तिल और जल देने से। कोई गया जाकर के पिंडदान करता है, वहां 54 जगह पिंडदान किया जाता है। प्रेत शिला है, फाल्गु नदी है, नारायण वेदी है, अक्षय वट वृक्ष है, पेड़ वृक्ष मंदिर है, वहां पर दान किया जाता है। और जब वहां पर दान पिंड दान किया जाता है, साक्षात पितृदेवता मोक्ष को प्राप्त होते हैं। कहा भी गया है, अनादि निधनो देव शंख चक्र गदाधर अक्षय पुंडरीकाक्ष
प्रेतम अक्ष प्रदभ नारायण सुश्रेष्ठ लक्ष्मी कांत सुर प्रद अनेन तर्पणेन अत प्रेतम अक्ष प्रदभव प्रेतम अक्ष प्रदभव ओम देवतेभ्यः पितृभ्यश्च महायोगीभ्येव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। वो पितृ नहीं रह जाते हैं, बस रुद्र आदित्य स्वरूप देवता स्वरूप बन जाते हैं। पितृदेव भव मातृदेव भव, हे पिताजी, पिताजी नहीं रह जाते हैं, पितृदेवता स्वरूप बन जाते हैं, बस रुद्र आदित्य स्वरूप हो जाते हैं। और वो आकर के हमारे परिवार को आशीर्वाद देते हैं, हमारे परिवार जो है हमेशा सुख की कामनाएं करता है और विकास की ओर बढ़ता है। किसी प्रकार का अनहोनी घटना होती है, सबसे मुख्य बात है पितृदोष नष्ट हो जाता है। बोलो प्रयागराज की जय। गणेश उत्सव के ठीक 15 दिन पितृपक्ष होता है, 15 दिन तक इनको जो है जल और तिल दिया जाता है। पितृ संतुष्ट होकर के आशीर्वाद देते हैं और वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। आज आखिरी दिन अमावस्या, इनका आखिरी दिन है। जाने अनजाने में यदि हमारे किसी के पितरों का तिथि नहीं मालूम है तो अमावस्या के दिन सब पितरों का पूजन किया जाता है, पिंड दान किया जाता है, पिंड पूजन किया जाता है।